हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान अभित आदित्य चैनल। हियर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। इन टुडेज वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एंड हर। बहुत बच्चों को हिज एंड हर में दिक्कत होती है कि कहाँ पे हिज आएगा कहाँ पे हर, तो चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, हम हिंदी में कहते हैं ये उसका है ये उसकी है। क्या कहते हैं? तो इस उसका और उसकी में क्या डिफरेंस होता है? उसका मतलब होता है कि किसी मेल जेंडर के लिए बोला जा रहा है, और उसकी मतलब होता है कि किसी फीमेल जेंडर के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यह उसकी गाड़ी है। उसकी गाड़ी का मतलब ज़्यादातर होता है कि फीमेल वर्जन के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं उसका उसकी, उसकी का इस्तेमाल होता है लड़की के लिए ज़्यादा। यही इंग्लिश में भी है। कैसे? हिज इज यूज फॉर मेल जेंडर। हिज इस्तेमाल किया जाता है मेल जेंडर के लिए, और हर इस्तेमाल किया जाता है फीमेल जेंडर के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात तो ये है। अब इसको हम प्रैक्टिस के द्वारा देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि यहां पर है हमारा, दिस इज रिंकी, यह रिंकी है। रिंकी हमारी क्या है? फीमेल है। ठीक है, शी हैज अ रोज, उसके पास क्या है? एक गुलाब का फूल है, रोज है ना। अब दिस और शी को तो हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, शी हैज अ रोज, उसके पास एक रोज है। दिस और शी की हम, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि यहां पर ऐसा क्यों आता है। अब यहां पर शी है, फीमेल है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा? इट इज डैश रोज, यह उसकी, उसका गुलाब का फूल है। तो यहां पे इसके लिए क्या आएगा? हर। इट इज हर रोज। हर का मतलब क्या है? उसकी। यह उसके, या ये उसका गुलाब का फूल है, या उसकी गुलाब का फूल है। ठीक है, इट इज हर रोज। यहां पे शी था, यहां पे फीमेल थी, इसीलिए यहां पे हर आएगा। ठीक है, अगर फीमेल है, शी के लिए भी फीमेल है, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पे हर आएगा जब हम उसकी बात करेंगे। अगर हम किसी की बात करेंगे, किसी की चीज की बात करेंगे, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, हैज और हैव का। हैज और हैव किसी चीज के पास होने की, किसी के पास कोई चीज हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हैज आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज अमन, यह अमन है। अमन मेल है। ही, अब अमन मेल है तो उसके लिए हमने क्या लगाया? ही, शी नहीं लगाएंगे। ही हैज अ बैट, उसके पास एक बैट है। इट इज, यह बैट, इट इज हिज बैट, हिज बैट। यह किसका बैट है? उसका बैट है। अब यहां पे हिज क्यों आया है? क्योंकि वहां पर अमन है, लड़का है, मेल है, तो मेल के लिए क्या आता है? उसका। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि उसका, उसकी किताब है, उसका किताब है, तो ये सब किसके लिए होता है? हिज हर, इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज पिंकी, यह पिंकी है, तो पिंकी के साथ क्या आएगा? शी, शी हैज अ बास्केट, उसके पास एक बास्केट है। इट इज हर बास्केट, यह उसकी बास्केट है। यहां पर इट इज हिज बास्केट नहीं लिखेंगे, इट इज हर बास्केट लिखेंगे। ओके, एक और पढ़ते हैं। दिस इज सीता, यह सीता है। अब सीता के लिए यहां पे क्या आएगा? ही और शी में से क्या आएगा बताइए? पहले हमने सीखा था पिछली वीडियो में भी, क्या आएगा? शी, शी हैज अ बैग, उसके पास एक बैग है। यहां पर ही हैज अ बैग नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज हर बैग, यह बैग किसका है? उसका बैग है। तो यहां पर शी और हर सीता के लिए आएगा, फीमेल के लिए। ओके, यह हमेशा याद रखना है। दिस इज राहुल, यह राहुल है। ही हैज अ पेन, उसके पास क्या है? एक पेन है। यहां पर शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर राहुल है, फीमेल नहीं है, यहां पर मेल है। इट इज हिज पेन, ये किसका पेन है? ये उसका पेन है। तो उसका के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हिज। ठीक है, कभी भी हर का इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। ठीक है, ये याद रखें, हर का इस्तेमाल किया जाता है लड़की की किसी चीज के लिए, जब वो अपनी किसी चीज की बात करती है। हिज का इस्तेमाल किया जाता है लड़के के लिए। ठीक है, जब उसकी किसी चीज की बात हो रही हो, उसकी बात ना हो रही हो, उसके किसी चीज की बात हो रही हो। ठीक है, तो मुझे आशा है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तीन वीडियो अभी तक बन चुकी है। पहले में हमने क्या सीखा था? दिस दैट दीज दोस्त सीखा था। दूसरे में हमने क्या सीखा था? ही और शी के बीच में अंतर सीखा था। तीसरी वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं? हिज और हर के बीच में अंतर सीख रहे हैं। तो इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आसान अभित आदित्य चैनल आप लोगों के लिए फ्री वीडियोज बना रहा है। अगर आपको इन वीडियो से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 300 से अधिक वीडियोस हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखी है, वो सभी आप आसान है कि प्लेलिस्ट में जाके लाइन वाइज वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप शुरू से हिंदी, इंग्लिश और गणित सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो उनकी वीडियोस भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लाइन वाइज वीडियोस के लिंक, आप उनको देख सकते हैं। और अच्छे से सीखने के लिए सभी वीडियोस की लाइन वाइज अभ्यास जरूर कीजिए अगर आप और सुधार चाहते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए एक बार और कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड्स।